अध्याय 5। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेत हजदा कहलाता है और उसके 5 उसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्ग दूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी बीमारी कुछ भी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जान करके वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल। फिर वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वो सप्ताह का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे कि आज तो सप्ताह का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वो कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठाकर चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था वो कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे ऐसे काम सब्त के दिन करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे कि वो ना केवल सप्त के दिन ही विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वो आप करता है वो सब दिखाता है, और वो इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा कि तुम अचंभा करो। क्योंकि जैसे पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है, और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसा ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर
जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वालों की इच्छा चाहता हूं। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि वो मेरी जो गवाही देता है वो सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम्हें उद्धार मिले। वो तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। परंतु मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूं, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने न कभी उसका शब्द सुना और न उसका रूप देखा है, तुम उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा उसकी प्रतीति नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वो आदर जो अद्वैत परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? ये ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा है। क्योंकि यदि तुम मूसा की प्रतीति करते तो मेरी भी प्रतीति करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में
लिखा है, परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों की प्रतीति नहीं करते तो मेरी बातों की क्यों कर प्रतीति करोगे।